गति भोग रहा संसार कर्म से मिल जाती सरकार कर्म कर देता बड़ा पार जो शिकर निप्राप्त सफल और परम श्रद्धे लालगंज के माता जी की तरफ से ये प्रसाद महान महान प्रसाद मिला है। सदगुरु कृपा बना रखे किस पे और चंद मंडल करते आशीर्वाद करना चाहता हूं। क्या बात है कि जगत में जीवन कर्म आधार और कर्म गत भेद रहा संसार कर्म से मिल जाते करतार कर्म कर देता बड़ा पार जैसी कर निप्राप्त हो सफल रे भैया जैसी कर निप्राप्त हो सफल। शंकर को अजमाने में रानी को कभी छेदी रबर को बंद भजवाने और हमारे मूल संध्या मन तरफ से कश पे महान महान प्रदान हुए ऐसे कोट को धन्यवाद है और किस लाइन को दिया है गई छू गई रबर को बंधवाने में लंका का रावण चूका सीता के हरण कराने में बाल बलि बेचू गया रबर से पैर बढ़ाने में हनुमान बेचू गए सोने के रंग जलाने में आज गवैया चूक गए गोपाल से बुरा गाने में जवाब ना दे हुए पास क्या होता होड़ मिलाने में जवाब ना दे सके तो क्या होता है जुबान लड़ाने में जहाँ मान सम्मान नहीं चाहे तो वहाँ पे जाने में सही फैसला अगर करे ना सही फैसला अगर सही फैसला अगर करे क्या होता जाना थाने में गाँव की जनता दुखी रहे क्या लाज रहे प्रधाने में गुरु मंगल का सो पसेरी लाता आज जताने में रख दे लग चल है जवाब देने वाला कई बात तो नहीं और हमारे श्याम यादव पूरे शिवा अरे प्रो तब से 50 रुपया श्याम यादव जी को चंद मंडल करते आशीर्वाद करना चाहता हूँ। माता रानी हाथ ऊंचा रखे और किस रैन पे दिया है भैया तो गुरु संत महात्मा यानी बाबा साहब के आशीर्वाद के प्रसाद मिला है। बाबा जी से आशीर्वाद कामना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद दे और हम जनता की सेवा करता रहो। बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात चल रही है ग्यारह से मंगल का सो तसेरिए लादा हुआ जगाने में चीर फार के रख दिया है लग जई हो एक ठिकाने में जवाब देने वाला अपना खुबन तेरे धराने तो घर में नारी अगर बाहर तो नहीं लड़ाना ठीक नहीं घर में अगर बीबी बाहर तब नहीं लड़ाना ठीक नहीं पुलिस वाले से भूले से त्योहार बढ़ाना ठीक नहीं खेल और बैरिक तेरे लगाना ठीक नहीं ना दुश्मनी हो भाई से राह मचाना ठीक नहीं ना दुश्मनी हो भाई से राह मचाना ठीक नहीं राम दुश्मनी हो भाई से राह मचाना ठीक नहीं केल और पैरी के पेड़ द्वारे पे लगाना ठीक नहीं माई बाप का लाज रखे ससुराल को जाना ठीक नहीं कह दे राम गोपाल गवैया तेरा घराना ठीक नहीं गुंड लाल के कभी यार को तर के जाना अब सुरेश भैया तो से महान महान ख्याल रुपये का नमस्कार सुरेश बाबू साहब को पहुंचे कर बैठे नमस्कार। माता रानी हाथ ऊंचा रखे और क्या लग लाइन चल रही है कहे भास्कर कभी यार अब दब के गाना ठीक नहीं अब जमा फड़ गए तो तुम्हें हिलाना ठीक नहीं आगे हाजी पर
जमाया फल पे यार उसे हटाना ठीक नहीं। माए बाप के इज्जत में है दाग लगाना ठीक नहीं। माए बाप के इज्जत में है दाग लगाना ठीक नहीं। जान के ठोकर मार मार सभी को नचाना ठीक नहीं। कहते है जयपाल गवैया तेरा कराना ठीक नहीं। सरस्वती को याद करे हम कलम चलाने से पहले कौ छोड़ कर देते हैं लाइन मिलाने से पहले। नमन करो बोल मात पिता पे फल पर आने से पहले। इरादा जाहिर कर देते हम रंग जमाने से पहले। जरा विचार करो शायर ये गाय बजाने से पहले। नहीं मजा गाने में आवे फरहाद बसाने से पहले। सीखो तरीका बिरहा ते गोपाल के गाने से पहले। कहा जीत कर आए हो मंगल के घराने। हेलो ताजा गए तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गवाना बयान बहुत अच्छा। आपने कहा मनई बलि हुआ ना समय हुआ बलवान। लेकिन मेरा कहना क्या है अरे गजब की हो रे दिल जानी। अब गीत का जवाब देखिए और दशरथ लाल जी आराम से गाँव को लाठी लिए तुम्हें खेदे ना ही है। तो भैया कुछ कहा ना जो हड़बड़ाओ ना। कहना क्या है अरे गजब की हो रे दिल जानी। हमारे संतों की भाषा में ये निर्गुण भी है और समय का जवाब भी है। अरे समय गजब की है दिलजानी। ये दिलजानी कौन है माया त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी माया महा ठगे भूल जानी। हमारे संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित है इसलिए कहना क्या है अरे बटिया भी हो पारे गजब की हो दिल जानी। ओ बटिया भी हो पारे गजब की हो दिल जानी। यारे सतयुग महाराजा हरिश्चंद कर रगड़ा हो मटिया मियता की हो राजपाट का। सतयुग महाराजा हरिश्चंद कर रगड़ा हो मटिया मियता की हो राजपाट सगरा। ते बीके काशी बा चारे भरम दुआ भरा पानी। ते बीके काशी बा चारे भरम दुआ भरा ओ बटिया भी हो पार गजब के हो दिल। अरे त्रेता में रावण का नाच नचाओ। अरे त्रेता में लंका में त्रेता में लंका में उधो में नचाओ। अरे यत लखा पेट सवा लाख कहा त्रेता में नाच नचाए। सोने के लंका के दिया ना बुझाए। सोने के लंका के दिया ना बुझाए। लिखे दवा पर वार हुई दे बंद कर हानी। लिखे दवा पर वार हुई दे बंद कर हानी। गतिया भी हो पार जुले के हो दिले। परमा दुर्योधन का लूट जकड़ के और कौरव पांडव मरे दूल्हों लड़के। कौरव पांडव अरे मरे दूल्हों लड़के। अरे मची गवा मची गवा है दिया बुझानी। चार युग की गीत गाया लेकिन त्रेता सतयुग और द्वापर तो बात ठीक रहे लेकिन कलयुग में फरहा वसा दी हो कि समय हसावे समय रवावे। नहीं सरयुग में देखो अरे कलयुग में फंसी गया राजा विक्रमा। पहले लिखे लोग ध्यान दीजिएगा कि कलयुग में फंसी गए राजा विक्रमा और हाथ पैर कटा पर तियली के। राजा विक्रमादित्य तेनी के घर में 6 महीनों तक जीवन बिताया है।
हाथ पैर सब कट गए थे, क्योंकि रानी पिंगला ने उन पे आरोप लगा दिया और राजा भर्तृहरि ने उनके हाथ पैर कटा लिए। ध्यान दीजिएगा, चित्रेता में फंस गया रानी राजा विक्रमा, हाथ पैर कटे पियली के धर्मा, पंडित उठ भिना सारे पियले पियला करी घानी, पंडित उठ भिना सारे पियले पियला करी घानी, ओ बतिया भी हो तार जुने मुके हो मोरे। राम गोपाल के मिसुर गवैया के उड़ी गे, अरे सुन के गवैया के उड़ी गे हुआस है, उड़ गे हुआस भाई उड़ गे हुआस है, ओ धारा लिया वो खार मरा उठाने खतनानी, ओ नहीं दे हबो खार उतरा है कि हर के पानी, सपूत हुआ है शरवण। आइए जिस उपलक्ष्य में आए हैं कथा वहां से मुड़नी चाहिए, लेकिन आप अलहे बलहे लेके पता नहीं कहां चले गए। जैसे आज हमारे छविनाथ भैया, संतराम भैया, बबलू भैया, जगराम भैया अपने पिताजी का ये भंडारा थाना है, इसलिए स्वर्गीय लक्ष्मी दादा के चरणों में समर्पित चंद्रायन की लव कथा। ध्यान देगा, पूत सपूत हुआ है शरवण, दुनिया मां मशहूर सुनो, माए बाप नहीं के अंधे मजबूर सुनो, पूत सपूत हुआ है शरवण, दुनिया मां मशहूर सुनो, माए बाप नहीं के अंधे आंखों से मजबूर सुनो, उनके अंधे होने का हम किस्सा का हम जरूर सुनो, अब पुरी के पास या शरम बना हुआ तो दूर सुनो, घर माला की आग गवैया चले बुझावे, अभी सहूर सुनो, लक्ष्मी दादा कुटुंब कबीला छोड़ हुई के दूर सुनो, दादनाथ तो छबे नाथ के नैनों से पानी बरसे जनूर सुनो, कह दे राम गोपाल सिखो गावे के अभी सहूर सुनो, सिखो सहूर गाने का वो सदा नाम जप ईश्वर, एक रोज पत्नी बोली पाती रज सुनिए बात धर, बिना पुत्र सतगत में होती लोग बात कहते अक्सर, क्रिया कौन करेगा मेरी जब हम दोनों जावे मर, पति है बोला पत्नी से ये किस्मत का सारा चक्कर, नहीं दिया औलाद विधाता तो आखिर क्या करे बसर, पत्नी बोली हाथ जोड़ कर सुनिएगा पति इधर, चलो तपस्या करे कहीं हमसे रूठे है परमेश्वर, तब पत्नी चल दिए है दोनों जंगल की ढालिया डगर, नियम धर्म से जोग संभाला काया सो होगी झंझर, प्रकट हो गई ब्रह्मा बोले कहा कि दोनों मांगो डर, हाथ जोड़ कर तुम्हें पराने झुका दिया मन में सर, एक पोत दे दिए विधाता आप कमर जो हुआ अगर, कहते हैं गुलजार गुलाम अब मिश्रा हो गए लड़के लर, चोर हो गए तो जुअर कहो नहीं जाए के बैठो अपने घर, एक बैठो अपने घर अब ज्ञान करा खंजर होगा, ब्रह्मा बोले पुत्र मिलेगा बदले में यह डर होगा, एक बात लेकिन तुमको बतलाता हूँ बिस्तर होगा, नैन के अंधे हो जाओ के पैदा लगते, कथा में दर्शाइए कि समाज में कुछ संदेशा जाए, शरण कुमार जैसा औलाद ना संसार में हुआ है ना तो कोई होगा, लेकिन मित्रों अगर शरण कुमार ना बन सको तो माँ बाप के दिल को कभी दुखाने की कोशिश मत करो, बहुत ऐसे लोग हैं कि माँ बाप जब पुरनिया हो जाते हैं तो उनका ध्यान नहीं देते हैं, और धन्य है वो माँ बाप आज भी एक औलाद पाने के लिए ना जाने कितने देवी देवता, कितने वैद्य डॉक्टर और ना जाने कितने बाबा फकीर मनाए जाते हैं। ध्यान दियो, कवि ने क्या लिखा है कि बैन के अंधे हो जाओगे, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें पुत्र तो मिलेगा
लेकिन नैन के अंधे हो जाओगे। धन्य है माँ बाप, उन्होंने क्या कहा कि नैन के अंधे हो जाओगे, पैदा लफ्त जिगर होगा और दुल्हे पर हमी कहाँ लगे कि हम कल ही उजर होगा, हाथ और में टूट जाए कि निका अंदर उत्ते भर होगा, कहे भास्कर सुनो खलीफा फिर हालर पे लर होगा, चोर होए तो जुअल कदायो नहीं तो जाना घर होगा, या तो राम गोपाल का बिरहा गाने मुन नंबर होगा, मेरे साथ में गाने में ना ही जलोगा। सुनो लगा महानवा होगा तब शरण के अवतार सुनो, जैसे बालक जन्म लिया नई लोक गया गुजियार सुनो, तीन दिन लड़का लगा पढ़ने चंदा के उधार सुनो, ब्याह योग शरवण हुआ माँ बाप ने किया विचार सुनो, शादी कर दी शरवण की घर आई सिरो बन्नार सुनो, ऐसे सती सिरो मर के यहाँ लोग कहे अयार सुनो, गुरु है जिनका जन्म का जाहिल चेला फूल गवार सुनो, कहे पिसे शरवण का हर गिन ना हो बेड़ा पार सुनो, दसरत भैया छोड़ के बिरहा जाए के झोंके श्रवण कुमार सयान हुआ, माँ बाप ने शादी कर दी, सती सरोवर शीला जैसे श्रवण की स्त्री को लोग किसी ने कहा है कि खट्टी खीर बना के अंधी अंधा का दोसर खवावा रही, अपने पति का दोसर खवावा रही, और हमारे राम स्वरूप भैया पीरियड की तरफ से 21 रुपए मिले हैं और 10 मुझे और 10 रुपए नकारावादक को मिले हैं। भैया साहब सलाम टाइट भजो, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे सूरज भैया प्रेत की तरफ से 21 रुपए साथी को पहुंचे, कोट को धन्यवाद है, भगवान सर्वन जैसा औलाद दे, कथा पे गौर करो क्या बात चल रही है। एक रोज शरण बैठा हुआ दिल में सोच रहा था, कभी ने कहा अरे ये करोज शरण बैठा भैया मनो मैं अपने बिचारी राम, और हमारे तारण नया ना खोए बैठे हमारे बाप महातारी, अरे हमारे बाप महातारी राम, यही सूरज पहले तो शरण नहाए, अरे नहीं ना सनी असर जारी राम, ऋषिगण बोले सुनो शरण भैया यह कहने बतिया, मानो बतिया हमारी सरावन यक मानो बतिया हमारी राम, सब तीरथ के जल लई का सरावन आखिर मा दियो ते मदारे राम, अरे सायब रुव समीला जोली नते, और हमारे रमेश मास्टर साहब मन पुत्र से 21 रुपए का पुरस्कार सोन कुमार की कथा पे मिला है भगवान, और हमारे बुंदलाल भैया नरसिंह मालू के तरफ से शेर की कथा पे 11 रुपया प्रदान किए हैं रमेश मास्टर साहब को, और हमारे बुंदलाल भैया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान सरवण जैसे औलाद हो यही विनती है, ध्यान दे क्या बात है। इनको ठोला कराई फुलवारी राम, अरे ये अपने बतला सुनो जब शरण, अरे बन तीन दीना यदारी राम, बनक तो खेत चार बरहिया माई बाप का बई, अरे माई बाप का बई थारी राम, अरे तुम्हें छबनाथ गजब सिंह भगवान, अरे दबलो कहई वीर उठे विधाता पिया, हक का मार गया दमक कतारी बाद मार गए दमक कतारी राम, अरे जग राम योर संत राम बिलख के बाद गए तनी,
जब श्रवण गुहर नहीं लगाया है, कनक का फेंके कारण माँ बाप का बैठाया है, सबसे पहले काशी में गंगा स्नान कराया है, गया गदाधर में जाकर के पिंड दान करवाया है, जगन्नाथ जब भी इसके दर्शन श्रवण सुनो कराया है, अरसा तीर्थ खत्म हो गए कोई न बचने पाया है, बद्रीनाथ के धार धाम में जाकर कदम जमाया है, क्षति शिरोमण सीला जो श्रवण की नार दहाया है, पानी लेने गई बेचारी क्या भगवान की माया है, धसी बेचारी दंडल में वो लपटे प्राण, अपने प्राण गवाया है, अंधी नंदा बिल करो ये आंसू को छलकाया है, लेके कहर चला है सरवर जनपुर लंकाया है, लेके कहर चला है सरवर जनपुर को सुनेगा, अंधी नंदा कहन लगे सरवर से बचन सुनाया है, पिला तो मुझको देता पानी भारी प्यास सताया है, कोर को धर दिया है सरवर ने कमंगल पाया है, उड़ा दिया धर दिया तरी किस घमंड में उतराया है, जन्म कर्म में लिखा बिठाता तो ही न सकता पार सुनो, उसी समय पे राजा दशरथ खेले गया सितार सुनो, पानी भरने लगा है सरवण दिया कमंडल भार सुनो, समय तुम्हें गा दशरथ ने सरवण कर दिया वार सुनो, लगातार सरवण के रे कर गए करेले पार सुनो, धर्मा भूजी भांग नहीं नूतन फल अंबर, हे बाबू सूर्य कुमार को जब बाण राजा दशरथ ने मार दिया, राजा दशरथ सर्व करदम सुनकर के पास पहुंचे और कहने लगे भैया हमसे गलती हो गई, धोखा हो गया, तो ध्यान दे कभी क्या लिखा है, अरे श्रवण बोला राजा दशरथ से बाली एक दिन मरना ना अमर जिंदगानी, अरे अंधी अंधा हमर माई बाप है वे राजा उनका पिलाई दी हो, अरे हे राजा उनका पिलाई दी है पानी इतना मानो मर कहाना रामा हो, अरे रामा हो रामा बाबू रामा हो रामा सरवण, हमारे मुलायम बाबू साहब अशंगा निवासी और रामफल भैया हुरहना निवासी दोनों साथियों से 21-21 रुपए प्रदान हुए हैं, भगवान कृपा दृष्टि बना रखे, ध्यान दीजिए क्या बात है, अरे रामा हो रामा सरवण का रथ रे दाना, रामा हो रामा सरवण का रथ रे दाना, तन से हमारे पान निकालो जी रहे हैरान, जैसे दशरथ पान निकाला सरवण राजा पराए, रामा हो रामा उनके पियला के सुदाना, रामा हो रामा सरवण का राखे रे दानावा, के पानी चले है दशरथ सोच लिया तकबीर, अंधी अंधा से जाकर के बचन कहा गंभीर, पानी पी लो प्यास बुझाई लो ठंडा हुआ शरीर, अरे मिर्गा के धोखे से हम सरवण के मारा पीर, होगा सरवण के माराना रामा हो रामा, होगा सरवण के माराना रामा हो, इतना सुनकर तड़ फैला गए सुनिए दोनों परानी, और नहीं हमारे रहा सरवन का कर पी के पानी, जब न गोदिया कैला लाना रामा हो, जब न गोदी कैला लाना रामा हो रामा सरवन करा फेरे दाना रामा हो,
पे गौर करिए खास क्या निकलता है कि आज श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। कृष्ण लाल जी ऐसी कथा लगाइएगा तो जवाब ही नहीं तो जवाबा है कि इतना कह के दोनों परानी लगे रहे तड़पने को पानी पी को क्या करबे जब नहीं मेरा सरबंदी को इतना सुन के दोनों परा तो नहीं मेरा सरबंदी को अंधी अंधा कहन लगे तू सत मेरे जहां जी तो अंधी अंधा तड़प बोले बाप मेरी राजन देखे पुत्र शोक में जैसे हमको मौका हुए मरण देखे अंत समय माँ क्रिया तुम्हारे हिरण सब तेरन देखो इतना कह के तुम्हें पता नहीं सुपुर किया दमन देखो जान तो गांधी भय से सर ऐसी किया कथन देखो ऐसी किया कथन देखो ये ज्ञान वेद से छानी है पुत्र शोक में प्राण तज दिया सुनिए तुम्हें परानी है अंधी अंधा के से हम सरवन के भई कुर्बानी है सवारी एक सायर बतलाना यगर गवैया ज्ञानी है राजा दशरथ ने करे जो सुनो समंदर पानी है आखिर कहा गया पानी बतलाना तू सह ये था श्रवण कुमार की कथा जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं और बात निर्गुण की निर्गुण से कहना क्या है हा से वादा की न भूल गयी दुल्हनिया वही दिन के सुधियाद करो जब महतारी के कन्या तो झूले बहन वाला झूलना झूले बहन वाला झूलना गरिया जानी का परी तुम्हारे दिशा में बनी है गाना गरिया जानी का के इस पिंजरे में सुगना करे बसेरा बाजी के इस पिंजरे में सुगना करे बसेरा छोटे पिंजरा उड़ता सुगना ये चल हो गया नियारा उड़ी के पिंजरा से सुगना अली हो जाई का परी तुम्हारे दुश्मन परवाना भय है रवाना सुनो लक्ष्मी दादा छबनाथ बबलो है बिलखे पूरा हुई गवादा पूरा हुई गवादा संत राम जब राम कहत है कहा चले गए दादा सभी के धुर नयना अकेला सभी के धुर नयना अल्हे जाई का परी यही के जहिया बनी है गवना यकदिन जाई का तारीख दिन से तुम्हारी के आई गजब के समैया सात तारीख दिन से तुम्हारी के आई गजब के समैया भूत बहोरिया छोड़ गए दादा ऐसा फेर में परिभवन मानिया दादा सुना करी के भवना बकली सुना भवना हो जाई का परी कर छबना तू भैया रुदना। और ये कैसे हुआ हमारे जियालाल दादा नुरुल कुटुंब से इसी वियोग गीत प्रदान हो रहे हैं जियालाल दादा से प्रणाम करते हुए आशीर्वाद कामना क्या बात है छबनाथ बबलू भैया भी लिखे बिलख रहे जगरा संत राम कह रूठे बपैया भय विधाता पाम बपई सोना करी के भवना अय हो जाई का परी
से बिके गिराई नयना बाबू जी जारी का खबरिया दिल खदौरी ढेरिया। सूचना इष्ट मित्र नातेदारों में सब पहुंची। हमारे भास्कर भैया जी के सूर्य नाना जी की जब सूचना पाए लखनऊ से दौड़े दौड़े आए। कभी ने क्या लिखा है, नात बात घर गई खबरिया दिल खदौरी ढेरिया नात तुरंत पहरिया दिल खे गम पछाई बदरिया बहर रोई पतर चरना बहर रोई पतर चरना अल्लो हो जाई का परी दाता जग के होई के सपना बरज जाई का कबीला सब कोई दिल खे गिर नया न से आत कबीला सब के रे रे बह नया न से आत रघुराज भैया उठ धाये दिल के बैठ सुदास जाता यबना हुई है मिलना अब न दांत से हुई है मिलना अल्लो हो जाई का तुम्हारे जिस दिन बनी है गाना अरे हो जाई का। और हमारे मित्र में परम मित्र रघुराज भैया पूरे मणिपुरा से इक्यावन पे नमस्कार रघुराज भैया से सर्वंत प्रभु के आशीर्वाद कामना। माता रानी हमेशा हाथ ऊंचा रखे जब तक गंगा जमुना में हमेशा पानी रहे और काम हमेशा जिंदा रहे। अंत में कभी क्या कहता है कि आवागमन के ये दुनिया है कहीं तेरा हम भोपाल आवागमन के ये दुनिया है कहीं तेरा हम भोपाल यकदम जाना पड़ेगा सबको आज चलो चाहता लग होते सका है नहीं रहना अल्लो हो जाएगा। और हमारे लवकुश यादव पानीपुरा तरफ से 10 रुपये का नमस्कार। लवकुश भैया जी का कोट को नमस्कार आशीर्वाद कामना। माता रानी हाथ ऊंचा रखे। और इस था जिस उपलक्ष्य में दादाजी के दिवंगत आत्मा के लिए चंद्रलैन की श्रद्धांजलि। और ये मित्रों में परम मित्र जिला पंचायत सदस्य हमारे सुभाष यादव भैया मन प्रार्थना से 101 रुपए का आशीर्वाद मिला है। सुभाष भैया जी से माता जी से यह प्रार्थना है कि भगवान दिन दूनी रात दूनी चौगुनी तरक्की करो और गांव समाज परिवार का नाम रोशन करो। और जहां भी जाओ अगर कोई ये नाम लेता है कहीं से चाहती है कि सुभाष जैसा ईमानदार कर्मठ नेता तो हम भी खुल के गर्दन हो जाते हैं कि हाँ हमारा छोटा भाई इस तरीका है। इसीलिए कवि ने क्या लिखा है आवागमन के ये दुनिया है कहीं तेरा हम भोपाल यकदम जाना पड़ेगा सबको आज चलो चाहता नैहर जहूत नहीं है रहना अल्लो जाई का परी चुटिया रोवे पतर चरना बाप जग से हुई सपना अल्लो जाई का। कुलता जलती दीवाली बनके मस्ताने धारे बोलूता फूलों की डाली बनके सन सर में केसर लूटा दुर्गा बिकलाली बनके इसलिए सोने की लंका जन सोता डाली बनके खर लक्ष सुख लूटा ताली कंताली बनके सर्व से सर को लूटा तू बिरहेगी और हमारे खलीफा जी आ रहे हैं जवाब के लिए।
और हनुमान जी की उन्होंने कहा लीला के बजरंग बालत वरी महिमा बिहार हारी मान गए बड़े बड़े। लेकिन हमें कहना चाहे अरे आए गोकुल मारा सुरस कृष्ण मेरा हार मान गए बड़े बड़े हार वीर मान गए बड़े बड़े बोलन हार वीर मान गए बड़े बड़े बोलन हार वीर मान गए। अकासुर बकासुर परम मिटाए दी हो अकासुर बकासुर परम मिटाए दी हो और कंसराज के मान आप घटाए दी हो आप गए गोकुल मकीना संहार हारी मान गए